तो दोस्तों आज हम आप आ जाइए MG Hector। चलो इसकी हम नॉर्मल सर्विस करेंगे। पहले इसका इंजन साउंड सुन लीजिए। और हमारी गाड़ी अराउंड 54,000 के आसपास मिली है। इसमें नॉर्मल सर्विस है। चलो हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्टिंग हम इसकी वाइपर ब्लेड से करते हैं। देखो इसकी वाइपर ब्लेड पूरी खराब हो चुकी है। ये बिल्कुल भी पानी साफ नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। तो हम इसके वाइपर ब्लेड रिप्लेस करेंगे। देखो दोनों ख़राब है। ये हम हेला की वाइपर ब्लेड ला लेंगे। देखो ये नई वाइपर ब्लेड और पुरानी वाइपर ब्लेड में आपको डिफरेंस पता है। देखो ये किस तरह पुश करनी है, अंदर लगानी है और एक बार खींच लेनी है तो एकदम इजी से बैठ जाएगी। तो ये वाइपर ब्लेड एकदम सही हो चुकी है। चलो हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। देखो इसका इंजन का कवर हमने निकाल लिया है, बहुत ही बेस्ट है। लास्ट में हम उसको क्लीन भी कर लेंगे। इसके पहले हम सबसे पहले स्टार्टिंग, ये गर्म गाड़ी है तो गर्म गाड़ी में हमेशा ऑयल निकाल लेना है। क्यों? तो जो गर्म ऑयल होगा तो एकदम ईजी से निकलेगा और सारा निकल जाएगा, थोड़ा सा ही बचेगा नहीं। ये देखो हम इसका ड्रेन प्लग निकाल रहे हैं। ये बहुत ही गर्म है, इसको आराम से निकालना है। देखो हमने निकाल लिया, देखो कितनी ईजी निकल रहा है। इसमें रबर की रिंग आती है, वॉशर नहीं आता। इसको ध्यान से रिंग देख लेनी है, कहीं से फटी तो नहीं है। चलो एकदम सही है। तो इसका ऑयल फिल्टर देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये MG का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, इसको हमने निकाल दिया। इसका ऑयल फिल्टर हम रिप्लेस करेंगे। ये MG की सेकेंड कंपनी GM में से हमने मंगाया है। ये भी ओरिजिनल ही है, उसका छोटा भाई है, ये समझ लियो। तो हम ये अंदर डाल देंगे। देखो ये हमने लगा दिया, और जो गंदा ये ऑयल लगा हुआ है इसको भी हम लास्ट में क्लीन कर लेंगे। तो क्या हो, बाद में डस्ट में वो सब चिपकेगा नहीं, जिसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हमने सब क्लीन कर लिया। लास्ट में हम ऑयल डालेंगे 5W13। इसमें 4.5 लीटर ऑयल आएगा, पेट्रोल इंजन है इसीलिए। चलो ऑयल डाल लिया। ऑयल का गेज चेक कर लेना है कितना ऑयल सही है कि नहीं है। देखो ये थोड़ा आपको बराबर दिखेगा नहीं, पर देख सकते हो आप ऑयल एकदम सही है। तो इसको देख दिख रहा है आपको? ओके, तो ऑयल भी सही हो चुका है, फिल्टर भी हमने रिप्लेस कर दिया। चलो इसका एयर फिल्टर क्लीन करेंगे हम, कैसा है पहले देखेंगे क्लीन करने के पहले। चलो इसका पूरा कवर निकालेंगे। हमने देखो कवर निकाल लिया है। इसके दो 8 के बोल्ट आएंगे, वो निकालने पर एकदम ईजी से निकल जाएगा। देखो हमने इसका एयर फिल्टर निकाल लिया। एयर फिल्टर बॉडी भी बहुत गंदी है, उसको भी हम लास्ट में क्लीन कर देंगे। चलो इसका AC फिल्टर कहाँ पर आता है? देखो ये लेफ्ट साइड में ब्लू बॉक्स के पीछे इसका AC फिल्टर है, इसको ध्यान से निकालना है। इसको भी हम क्लीन करके चला देंगे, एकदम सही हो जाएगा। जब देखो दोनों को क्लीन करें, कितनी सारी डस्ट निकल रही है। देखो ये AC फिल्टर में भी बहुत सारी डस्ट निकल रही है, एयर फिल्टर में भी डस्ट बहुत ज़्यादा निकल रही है। पर इसको रिप्लेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो ये AC फिल्टर एकदम सही हो चुका है, बाद में इसका एयर फिल्टर भी एकदम सही हो चुका है, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका एयर फिल्टर बॉडी क्लीन कर लेंगे। देखो ये पैसे कैसी है, एयर मार के क्लीन करेंगे इसको। हमने देखो क्लीन कर लिया, तब दोनों चीज़ें हम फिट कर देंगे। तो हमने सब काम बता दिया। बाद में देखो लास्ट में गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो हम हमारी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।